इंडिया में इस बार आप जान पाएंगे एक और नए स्किल के बारे में। इनमें सर्टिफिकेट पाकर आप बन सकते हैं हुनरमंद। आइए देखते हैं ये सेगमेंट। अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के लिए सजना सवरना किसे नहीं पसंद। हर व्यक्ति चाहता है कि वो सुंदर दिखे, लेकिन जब इसी क्षेत्र में करियर चुनाव की बात आती है तो इसे अपनाने में हम में से ज्यादातर लोग कतराते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी की ये धारणा रही है कि ब्यूटी और वेलनेस के क्षेत्र में सम्मानजनक करियर नहीं बनाया जा सकता है। इसी धारणा को गलत साबित किया मुंबई की रहने वाली एक आम लड़की नेहा उल्हास चांदे ने। नेहा एक साधारण से परिवार की लड़की है जिनके माता पिता दोनों ही पुलिस में कार्यरत हैं। कुछ हटकर करने की इनकी इसी सोच ने उन्हें न्यूजीलैंड में वर्ल्ड स्किल में स्वर्ण पदक दिलवाया। ये स्वर्ण उन्होंने किसी और स्किल में नहीं बल्कि ब्यूटी थेरेपी में जीता है। नेहा ने न केवल देश का नाम रोशन किया है बल्कि अपने सपनों को भी पूरा किया है। डॉक्टर बनने की सोच रखने वाली नेहा यहाँ तक कैसे पहुँची, आइए जानते हैं खुद नेहा से। I was about to go for medical. Suddenly ऐसे मुझे एक दिन रात को सपना आया कि मुझे ये नहीं करना। And then I just, you know, I wanted to do something which was out of the box. मतलब मुझे वही इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बनना था। And as you know कि हमारे इंडियन का लाइक थिंकिंग के हिसाब से डॉक्टर या इंजीनियर को ही रिस्पेक्ट मिलता है इन द सोसाइटी। अदरवाइज आपका बाकी चाहे जो भी करियर हो, आप जितने भी अच्छे हो, इट इज़ नॉट दैट रिस्पेक्टेड एज सच। वी वर सर्चिंग देन माई मॉम कम अप विद दिस थिंग दैट इज कॉल्ड एज रेस्को। So that is known as the highest qualification for beauty industry basically. So I went and I inquired. तो मुझे मतलब interest लगा because I am from the science stream. तो फिर उसमें भी बहुत ज़्यादा like anatomy, physiology वगैरह होता है। So I did that thing. कि I was a part of WorldSkill 2013. मेरे skills इतने अच्छे हो गए थे कि I got recruited with one of the best brands in India. 2015 WorldSkills के लिए dates निकले, that is your Jan 93. और आई वॉज स्टिल क्वालिफाइड टू गो फॉर इट। सो आई अगेन वेंट अहेड, फिर रीजनल्स हुआ, नेशनल्स हुआ, एवरीवेयर आई वॉज टॉपिंग इट एंड फाइनली एट द फाइनल सिलेक्शन ऑफ वर्ल्ड स्किल्स आई वन। वर्ल्ड स्किल कॉम्पिटिशन में ब्यूटी थेरेपी में अंतर्गत भाग लेने वाली नेहा ने ब्यूटी के विभिन्न भागों में महारत प्राप्त की और अब नेहा अगस्त में होने वाले वर्ल्ड स्किल्स फाइनल के लिए खुद को तैयार कर रही है। वर्ल्ड स्किल्स का फाइनल ब्राजील स्थित साओ पालो में होने वाला है। एनएसडीसी की तरफ से इनको इंडस्ट्री में बेस्ट ट्रेनिंग मिल रही है ताकि वो फाइनल में भी गोल्ड लाकर देश का गौरव बढ़ा सके। ब्यूटी थेरेपी में बॉडी, फेस, मेकअप, नेल्स आदि का ट्रीटमेंट होता है। ब्यूटी थेरेपी के अलावा हाल ही में भारत ने ओशिनिया में 5 और मेडल हासिल किए हैं। वर्ल्ड स्किल्स ओशिनिया में भारत ने 6 स्किल्स में मेडल हासिल किए हैं। मुंबई की नेहा उल्लास ने ब्यूटी थेरेपी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। कोलकाता के सुरजीत कुमार राणा ने ज्वेलरी डिजाइनिंग में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। मैंगलोर के बिदा तंदा ने पेस्ट्री और कन्फेक्शनरी में रजत पदक प्राप्त किया। वॉल एंड फ्लोर टाइलिंग में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया पूना के टीकम सिंह ने। ऑटो बॉडी रिपेयर में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया दिल्ली के अर्जुन बिंद ने। पूना के पुरुषोत्तम नायक ने ब्रिक लेइंग में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। न्यूजीलैंड में ओशियाना स्किल्स करके था जहाँ पे अराउंड 7 से 12 कंट्रीज थे कम्पीट करने के लिए। सो मतलब इंडिया के लिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाना इज नॉट वेरी इजी या फिर नॉट वेरी कॉमन। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन इंडियन डेलीगेट वेंट देयर फॉर अ कॉम्पिटिशन। तो हमारे लिए भी ये चैलेंज था बिकॉज जब हम गए तो एज एन इंडियन पर्सन लोगों का नेचर बहुत ही वेलकमिंग नहीं होता बिकॉज दे फील कि बस उठ के आ गए। बाय द एंड वी गॉट नो कि हमारे पास 6 मेडल्स थे। सो लाइक वी हैड गोल्ड, वी हैड सिल्वर, वी हैड ब्रॉन्ज एंड इट वॉज अ रियली प्राउड मोमेंट कि फर्स्ट टाइम गोइंग टू अ कॉम्पिटिशन जब किसी कंट्री ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इंडिया भी कुछ लेके जा सकते हैं। वी गॉट 6 मेडल्स फ्रॉम देयर। एक तो जो हुनर स्किल्स ये बहुत ही जरूरत है भारत के लिए और दुनिया के लिए। हमारे बच्चे लोग इनमें पार्टिसिपेंट करते हैं उनको तो मेरी बहुत बधाई है और जो लोगों ने जीता है इन लोगों को अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन ब्राज़ील, ये बहुत ही मौका है भारत के लिए शोकेस करने के लिए। ये एस्पिरेशन बढ़ाता है, इसकी वजह से हमारे युवक लोग हाथ से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। वर्ल्ड स्किल एक तरह से स्किलिंग में होने वाला ओलंपिक है
जिसमें 60 देश 46 स्किल्स के लिए प्रतिभागी एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं। इस कॉम्पिटिशन में भाग लेने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी 22 साल है। एक इन इंडिया एंड स्किलिंग इंडिया आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। वन कैन नॉट गो विदाउट द अदर। एंड प्राइम मिनिस्टर हैज एट हिज लेवल whether it is Red Fort or Madison Square Garden or any other engagement with important engagement, Prime Minister has made no, he has repeatedly buttressed the need for making India and skilling India to go together. And as far as this new ministry, earlier department is concerned, which has been created by the present government, we will leave no, stone unturned to try and make this vision into a concrete and empirical reality. देश में करीबन 360 मिलियन युवा हैं और प्रधानमंत्री का सपना इन सबको स्किल करके रोजगार परक बनाने का है। ऐसे में ये विजेता बाकी सबके लिए एक मिसाल बन गए हैं कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, अगर सच्ची लगन और मेहनत से आप कार्य करेंगे तो इनकी तरह आप जरूर सफलता पा सकते हैं।